Very good morning, students. Let's start exercise 5C. Question number first. Simplify 6 by 17, multiply 34 by 15, minus 6 by 35 of 2, 1 by 3. रिमाइंड योर बॉडमास रूल. बॉडमास रूल क्या होता है? बी मीन्स ब्रैकेट. सो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, बट देयर इज नो ब्रैकेट हियर इन योर क्वेश्चन. आफ्टर दैट ओ को सॉल्व कर रहे हैं. ओ मीन्स ऑफ. ऑफ गिवन था तो मैंने ऑफ की स्पेस पे यहाँ पे क्या लगा दिया? मल्टीप्लाई. नेक्स्ट वन इज डी. डी मीन्स क्या होता है? डिवाइड. यहाँ पे कोई भी डिवाइड नहीं है, राइट? नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन जो है वो है विजिबल. टू मल्टीप्लीकेशन आर देयर. वन इज हियर एंड सेकेंड वन इज हियर, राइट? सो इसको मल्टीप्लीकेशन को कैसे सॉल्व करोगे? कटिंग विद ईच अदर, राइट? सो कट कर दो. 6 और 15 बोथ आर डिविजिबल बाय द कॉमन टेबल 3, राइट? दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं. 3 टू या 6, 3 5 जा 15. नेक्स्ट वन इज ये दो टेबल जो हैं दोनों 17 और 34 डिवाइड बाय 17. 17 वन जा 17, 17 टू जा 34. दोनों एक ही टेबल पे जा रहे थे, ये दोनों भी एक ही टेबल पे जा रहे थे, राइट? नेक्स्ट वन इज व्हाट आई गेट? 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4. 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5, राइट? नाउ अब इस सब्सट्रैक्शन को आपने सॉल्व नहीं करना अकॉर्डिंग टू दिस रूल. वी विल सॉल्व फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन, राइट? सो मल्टीप्लीकेशन का साइन है इन दोनों के बीच में, ये भी सॉल्व हो सकती है. फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इंटू नॉर्मल. 3 इंटू 2, 2 3 या 6, 6 प्लस 1 7, हेयर इज 7 बाय 3. नाउ कटिंग दीज वैल्यूज 3 2 या 6, 3 1 जा 3, बोथ आर डिविजिबल बाय 3 एंड हियर बोथ आर डिविजिबल बाय 7. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. व्हाट आई गेट? 2 1 जा 2, 5 1 जा 5. नाउ हियर इज सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू वैल्यूज. सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. फर्स्ट सी द डिनोमिनेटर्स बोथ आर सेम. अगर डिनोमिनेटर सेम है देन विच फ्रैक्शन इज दिस? लाइक फ्रैक्शन. हाउ टू सॉल्व लाइक फ्रैक्शन इन सब्ट्रैक्शन? दोनों वैल्यूज जो हैं उनका साइन कॉमन आ जाएगा. 4 माइनस 2, 5 जो डिनोमिनेटर उनका क्या आ गया? कॉमन. अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सिंपली दोनों को माइनस कर देना है न्यूमिरेटर्स को, राइट? 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड हियर इज 5. सो 2 बाय 5 इज योर आंसर. अकॉर्डिंग टू दिस रूल यू हैव टू सिंप्लीफाई योर वैल्यूज, राइट? नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. 12 बाय 7 ऑफ 3 प्लस 5 बाय 14 डिवाइड बाय 6 बाय 7 माइनस 4 बाय 3. सो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली कोई ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, राइट? सो बी ओ. ओ मीन्स ऑफ को पहले सॉल्व करोगे. इन स्पेस ऑफ ऑफ आई हैव इंसर्ट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, राइट? सो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई आ गया. अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे रूल के अकॉर्डिंगली. 12 3 या 36 बाय 7, राइट? सो मल्टीप्लीकेशन हमने सॉल्व कर दी ऑफ की स्पेस पे मल्टीप्लाई, राइट? नेक्स्ट वन इज प्लस. ओ के बाद रूल में बॉडमास. ओ के बाद क्या होता है? डिवाइड. ओ की स्पेस पे आपने लगा दिया. ओ मीन्स ऑफ होता है. ऑफ की स्पेस पे आपने लगा दिया मल्टीप्लाई, राइट? आफ्टर दैट डिवीजन होती है. तो डिवीजन आप कैसे सॉल्व करते हो? 5 बाय 14 एज इट इज डिवाइड की स्पेस पे मल्टीप्लाई डिवाइड. उसके बाद जो वैल्यूज हैं वो उनका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल. नाउ रेसिप्रोकल द वैल्यूज आफ्टर डिवीजन. डिवीजन के बाद ये वैल्यूज है तो उनका रेसिप्रोकल कर दिया. हेयर इज 7 बाय 6 माइनस 4 बाय 3 एज इट इज. सबसे पहले ऑफ की स्पेस पे मल्टीप्लाई लगाया. आफ्टर दैट आपने डिवीजन को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, राइट? सो डिवाइड की स्पेस पे मल्टीप्लाई एंड हेयर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज आफ्टर डिवीजन. नाउ सॉल्व दिस मल्टीप्लीकेशन. बोथ मल्टीप्लीकेशन यू हैव सॉल्व, राइट? सो आपने दोनों को सॉल्व करना है. हेयर इज कटिंग कोई हो नहीं रही. सो 12 3 या 36 बाय 7 प्लस का साइन एज इट इज. कटिंग हो रही है. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो व्हाट आई गेट? 5 1 जा 5, 2 इंटू 6 दैट इज 12 माइनस 4 बाय 3, राइट? नाउ हेयर आर 3 अनलाइक टर्म्स. ये तीनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपके क्या हैं? डिफरेंट है. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो विच फ्रैक्शन इज दिस? अनलाइक फ्रैक्शन. कैसे सॉल्व करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को? बाई टेकिंग एलसीएम. नाउ 7, 12 एंड 3 इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले मैंने टू वैल्यूज का एलसीएम ले लिया, 7 और 12. 7 और 12 का मेरे पास एलसीएम सॉल्व करके आ गया 84, राइट? सो 84 इज हियर. 84 को आपने 7 से क्या किया? डिवाइड, राइट? इससे आपने उसको क्या कर दिया? डिवाइड. जितना आंसर आएगा वो ऊपर 36 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, राइट? सो 84 डिवाइड बाय 7
राइट आपने इसको डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा 12, 12 7 जाए 84, राइट। सो इसको इसके साथ डिवाइड किया, 12 आ गया, 12 को मैंने 36 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, एंड आई गेट 432 प्लस एज इट इज़ 12 7 जा 84, 7 आ गया, 7 5 जा 35, राइट। नेक्स्ट वन इज माइनस 4/3 एज इट इज़। नाउ कम सॉल्व दीज टू वैल्यूज, एडिशन हो रही है इनकी, सो आफ्टर एडिशन आई गेट 467/84 माइनस 4/3। नाउ अगेन टेकिंग एलसीएम, 84 और 3 का आपने एलसीएम जब लिया तो आपके पास आ जाएगा 84, राइट। एलसीएम कैसे लेते हैं, 84 एंड 3 बोथ जो है वो आपने उनका एलसीएम जो है वो ले लेना है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज आपके पास एलसीएम आ गया 84, राइट। सो 84, 84 दोनों डिनोमिनेटर्स जब सेम है तो ऊपर वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, राइट। माइनस 84 को इसके साथ डिवाइड किया, राइट। सो सॉल्व किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, आई गेट 112, अगेन सब्ट्रैक्ट दिस टू वैल्यूज एंड आई गेट 355/84, देन डिवाइड दिस टू वैल्यूज आई गेट 419/84। मीन्स आपने नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करके उसका आंसर लिख दिया, राइट। सो सबसे पहले आपने क्या सॉल्व किया, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली पहले आपने देखना है बी मीन्स ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं गिवन है तो उसको आप छोड़ दो, राइट। आफ्टर दैट बी ओ, ओ का मीन्स होता है ऑफ, सो इन स्पेस ऑफ ऑफ यू हैव टू इंसर्ट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट। ओ को सॉल्व कर दिया, उसके बाद डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करना है, बी ओ डी। आफ्टर दैट एम, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट वन इज योर सेवंथ क्वेश्चन, 3/16 प्लस 13/16 डिवाइड 2 9/15 डिवाइड 1 1/3। सो सबसे पहले कौन कौन से साइन है, प्लस एंड डिवीजन। सो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंगली हम प्लस को सॉल्व करते हैं पहले या डिवीजन को, डिवीजन, राइट। सो डिवीजन, बट यहाँ पे 2 2 है, हम एक टाइम पे एक डिवीजन सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट वी टेक नेक्स्ट डिवीजन, राइट। 3/16 इज हियर प्लस 13/16 डिवाइड 2 9/15, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, आपने उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया, 15 2 या 30, 30 प्लस 9, 39/15 डिवाइड 3 1 जा 3, 1 प्लस कर दिया 4/3। मीन्स आपने इस स्टेप में आपने क्या किया, जस्ट कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन, आफ्टर दैट वी विल सॉल्विंग डिवीजन। सो ये एज इट इज, दिस वन एज इट इज एंड दिस वन इज ऑल्सो, डिवाइड 39/15 दिस ऑल्सो एज इट इज, राइट। ये डिवीजन आपकी फर्स्ट स्टेप में एज इट इज आएंगी, बिकॉज वी विल सॉल्विंग दिस एडिशन फर्स्ट, राइट। सो एक टाइम पे आपने पहले एक डिवीजन सॉल्व करनी है, यू कांट सॉल्व बोथ ऑफ द एडिशन साइमल्टेनियसली, राइट। सो 39/15 डिवाइड की स्पेस पे मल्टीप्लाई, हियर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज 3/4, कटिंग 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, राइट। सो आई गेट 3/16 प्लस 13/16 डिवाइड 39/20, डिवाइड की स्पेस पे मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल द वैल्यूज 20/39, कटिंग दीज वैल्यूज 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, एंड हियर इज ऑन द टेबल 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3/16 एज इट इज प्लस एज इट इज, 5 into 1 दैट इज 5 एंड 4 into 3 दैट इज 12। नाउ सॉल्व दिस टू वैल्यूज, हियर इज द डिनोमिनेटर बोथ्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स अनलाइक टर्म्स। हाउ टू सॉल्व अनलाइक टर्म्स, बाई टेकिंग एलसीएम, 12 और 16 का एलसीएम लिया, आई गेट 48। नाउ इसको 48 को 16 से डिवाइड किया, 16 3 जा 48, 3 आ गया, 3 3 जा 9, 9 इज हियर, प्लस 12 को 48 के साथ डिवाइड किया, 12 4 जा 48, 4 आ गया, 4 5 जा 20, 9 प्लस 20 दैट इज 29/48 इज योर आंसर। सो अकॉर्डिंग टू योर बॉडमास रूल यू हैव टू सॉल्व योर वैल्यूज, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।